डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं, जीनोम सीक्वेंस एनोटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के बारे में। प्रोटीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, कैसे उनके स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में दो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। तो हम दोनों को ही डिटेल में देखेंगे कि हम किस किस मेथड से जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैथड्स को यूज़ करते हुए। मीन्स यहाँ पे हम कुछ मेथड्स में एल्गोरिथम्स की भी बात करेंगे, ठीक है, और द प्रिडिक्शन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेथड। सो आज हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के बारे में। सो हम पहले प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें कि प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली प्रोटीन होते हैं चार टाइप के, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। मींस सो व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, इट्स जस्ट ए सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, चेन ऑफ अमीनो एसिड लाइक दिस। दिस इज ए सिंगल अमीनो एसिड चेन, लीनियर चेन। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि एमसी जो अमीनो एसिड की चेन होती है उसका शेप क्या होता है। सो इट मींस इट इज़ ए लीनियर शेप, लीनियर। ओके, सो इट्स जस्ट नथिंग बट इट्स जस्ट अ सिंग अमीनो एसिड चेन। तो अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा, इट्स लाइक आर ग्रुप, हियर इट इज़ एच ग्रुप, हियर इट इज सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी ओ ओ एच एंड हियर इट इज़ एन एच टू ग्रुप। ओके, सो दिस इज़ वन अमीनो एसिड। इसी तरीके से एक दूसरा अमीनो एसिड होता है लाइक ये O और ये एच टू, सो इट्स रिमूवल ऑफ एच टू और यहाँ पे सी एन बॉन्ड एन एन सी एच, ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड, सो इट बिकम एज ए पेप्टाइड बॉन्ड। सो यहाँ पे दो अमीनो एसिड हमने आपको एज एग्जाम्पल दिखाए। इसी तरीके से एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स यहाँ पे बाइंड होते चले जाते हैं एंड मेक ए लीनियर चेन, लीनियर चेन ऑफ अमीनो, एंड दिस इज नोन एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? इट इज जस्ट ए क्वाइलिंग, इट मीन्स नॉट क्वाइलिंग, इट्स जस्ट ए एक अमीनो एसिड चेन है। इसमें आपने देखा भी, जैसे कि हमने एक आपको जस्ट एग्जाम्पल आप देखें, आप लाइक दिस इज आर सी ओ ओ एच एच और एन एच टू, ये एक अमीनो एसिड है। ऐसे एक दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ा, ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मिले हुए आपस में। सो इनके बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने लगते हैं। ओके, दे फॉर्म सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इन हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड्स बनने की वजह से इनके बीच में कॉइलिंग्स होती हैं। ओके, और वो कॉइलिंग्स जो हैं इनको अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, प्लेटेड शीट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो लाइक दैट, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? इट्स अल्फा हेलिक्स, अल्फा और बीटा शीट। इसके अलावा भी कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं विच इज नॉट कंप्लीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दे आर जस्ट ए पार्ट लाइक लूप, कॉइल, टर्न। ओके, लूप, कॉइल, टर्न। ओके, सो दीज आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर हम इसका प्रिडिक्शन भी देखेंगे, इनके इसमें तीन मेथड हैं, हम तीनों मेथड आपके साथ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स जस्ट थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो मीन्स यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से देख पाते हैं, लाइक इट्स कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ रहा है, कौन सा अमीनो एसिड है, उसकी क्या शेप है, लाइक दैट, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, सम प्रोटीन्स दे कंटेन्स वन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ए लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर। ओके, एंड वन इज वन डेफिनेशन सेज इफ देयर इज ए मोर देन वन अमीनो एसिड चेन, लाइक देयर
दिस इज वन अमीनो एसिड, दिस इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड एंड वन स्ट्रक्चर, देयर इज ए वन अनादर चेन, एंड यहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे दैट इज योर प्रोटीन एंड वन प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो हीमोग्लोबिन, सो हियर इट इज ए हीम इज ए मेटल एंड ग्लोबिन इज ए प्रोटीन, सो हीमोग्लोबिन इज ए क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स वन एक्स्ट्रा प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट इज हीम, सो हीम इज नॉट ए प्रोटीन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड इट इज अटैच विद द हीम, ओके। एंड यहाँ दूसरे टाइप जो हमने बात की कि लाइक एक चेन उसी की दूसरी चेन तीसरी चेन, सो मोर देन वन चेन, मोर देन वन चेन इन ए स्ट्रक्चर दैट इज नॉट ए क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर और इट मे कंटेन प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, so these are the four different kind of protein structure, okay। तो इसमें हमारे जो सिलेबस में है दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन एंड टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन, आज हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन के बारे में। सिलेबस में ऐसा कोई मेथड एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि यू हैव टू स्टडी दिस मेथड, बट दीज आर द कॉमन मेथड, चाउ फॉसमैन मेथड, गौर मेथड एंड मशीन लर्निंग मेथड्स, हम इनके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कि कैसे ये मेथड को यूज़ किया जाता है। सो दिस इज देयर आर द टू साइंटिस्ट चाउ एंड फॉसमैन एंड हियर गौर इट्स अ थ्री साइंटिस्ट गार्नियर, दो बार लिख गया है गार्नियर, सॉरी यहाँ पे दो बार है गार्नियर, ऑस्गोथॉर्प एंड रॉबसन एंड मशीन लर्निंग दिस इज एडवांस मेथड फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ मेथड। तो चाउ फॉसमैन मेथड जो है ये दोनों ही मेथड जो है ये स्टैटिस्टिकल बेस्ड मेथड है, बेस्ड मेथड है मींस यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल असम्पशंस यूज किए गए हैं जिनको हम यहाँ पे कहते हैं प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी ओके, इट्स नथिंग बट इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी कि सपोज देयर इज ए टी आर एस एच ई आर TAGC, this is a one sequence of amino acid like primary structure of amino acid, primary structure of amino acid and आपसे कहा जाए इसका secondary structure पता करिए, तो आप कुछ mathematical concepts लगाएंगे इसमें कि ये A है ये क्या हो सकता है, it may be alpha helix, it may be beta sheet, it may be coil, turn, loop, so these are the five probability, so what is the probability 1/5, now इसकी भी बात की जाए so 1/5, so whole sequence of amino acid they have the 1/5 probability, so उसी के बेस पे कुछ मेथड डिजाइन किए गए, so that is methods for चाउ फॉसमैन method, गौर method जो है ये भी propensity based method है यहाँ पे, और one minute, गौर method का एक नाम और है that is sliding window method, sliding window method, इसमें क्या होता है like there is a chain, जैसे अभी हमने चेन बनाई आपके लिए अमीनो एसिड की, एक सीक्वेंस है आर टी एस सी सी ए जी एस पी एच आई सी आर एच पी ए सी जी ए टी लाइक दैट, दिस इज सीक्वेंस, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 17, सो इट विल कवर these many amino acids, so 8 from beginning and 8 from end, so it will consider on this window, ye 8 amino acid decide karenge what is the probability ki ye jo amino acid hai iska structure kya hona chahiye, either it is alpha helix, it is beta sheet or it is coil or it is turn or it is loop, these three will consider as a one, then yahan pe kuch bhi ho sakta hai, basically humko jo predict karna hai that is alpha or beta, okay। मशीन लर्निंग मेथड यहाँ पे कुछ क्या कहना चाहिए अजम्पशन लिए जाते हैं लाइक मशीन लर्निंग, बात करेंगे अभी आने वाले आगे स्लाइड्स में, सो होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल क्लियर योर डाउट्स, लेट्स बिगिन विद द चाउ फॉसमैन स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगे, मैं कोशिश करूँगा कि हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाए। सम्पोज आर इज ए अमीनो एसिड, जो हमारे 20 अमीनो एसिड्स हैं उसमें से सपोज हम ए ले लें एंड ए इज इक्वल टू आर, एस इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर टाइप,
हमारे पास कितने टाइप हैं, तीन टाइप हैं, अल्फा, बीटा और इसमें हम तीनों को ले लेते हैं, सी टी और लिक्वाइड टर्म तीनों। सो फंक्शन ऑफ आर ऑफ एस, ये जो आर है आप इस एफ को फंक्शन भी कह सकते हैं, फीचर भी कह सकते हैं, कुछ भी, वैसे फंक्शन मोर प्रिसाइसली इट्स फंक्शन। ओके, हम एक चलिए यहीं पे समझा लेते हैं। तो हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी है, दे आर थ्री प्रोबेबिलिटीज, एज इक्वल्स टू थ्री। आर हमने यहाँ पे मान लिया है ए, ए मीन्स एलानाइन, ओके, ए एल ए एलानाइन एक अमीनो एसिड है। सो एफ आर कॉमा एस मीन्स आर क्या है, अमीनो एसिड। ये जो आर है ये इन्हीं तीनों में से कुछ होगा और तो बाहर से कुछ हो नहीं सकता। सो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ आर इन एस, अकरेंस माने होना, कि आर का नंबर क्या है एस में, जो एस है सेकेंडरी स्ट्रक्चर टाइप है, ये जो तीनों हैं इसमें, इसमें कितनी बार आर है, कहाँ कहाँ पे ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर। नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ आर इन एस, कि एलानाइन जो है वो कितनी बार कौन सा स्ट्रक्चर हो रहा है। नाउ कम टू एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन कन्फॉर्मेशन एस, कन्फॉर्मेशन एस। अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है एस, सो एन ऑफ एस टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, इसके अंदर कितने अमीनो एसिड हैं, सपोज 20 हैं, 200 हैं, 2000 हैं, वॉट एवर, एंड एन टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड। थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, फिर से समझाते हैं आपको। आर एक अमीनो एसिड है, एस सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, आर कॉमा एस नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ आर इन एस, आर जो है एस में कितनी बार है, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन कन्फॉर्मेशन एस। आपने जो एक पर्टिकुलर टाइप माना है कि लाइक अल्फा हेलिक्स, तो ये वाला जो आर है इस सीक्वेंस में कितनी बार अल्फा हेलिक्स हो रहा है, अजम्पशन। नाउ एंड टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं, 200, 2000, कुछ भी हो सकता है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी आर कॉमा एस, ओके, एफ आर कॉमा एस, ये हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आर कॉमा एस। इस एस में, यहाँ पे एस दो बार आ गया, आप इस वजह से कन्फ्यूज हो रहे हैं कि जो तीन डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं उसमें आर क्या है, इस प्लस टू एफ आर कॉमा एस, कितनी बार आया है, एफ आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई एफ ऑफ आर, आर क्या है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड, अगेन डिवाइडेड बाई एन, एन एस डिवाइडेड बाई एन। सो नाउ दिस एन विल गो हियर, सॉरी, दिस एन विल गो हियर, दिस एन विल गो हियर एंड दिस एन एस विल गो हियर, ओके। सो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम एक एग्जाम्पल देंगे आपको। सो प्रोपेंसिटी ऑफ अमीनो एसिड आर टू बी इन द स्ट्रक्चर एस, आप यहाँ पे समझिए एक एग्जाम्पल के तौर पे। एज्यूम ए डेटा सेट विद टोटल एन आर ऑफ रेजिड्यू 1,000,000, इट्स 3 0 यहाँ आ गए, इट्स यहीं पे है, 3 0 कायदा ही सैकड़ा 1,000,000,000। 1/3 ऑफ देम आर इन ए हेलिक्स कन्फॉर्मेशन, इसका जो 1/3 है, 1/3 मीन्स इज हेलिक्स, ये जो है क्या है, ये हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स। ए एल ए इज ऑब्जर्व 8,000 टाइम, एलानिन को 8,000 बार ऑब्जर्व किया गया। 5,000 ऑफ एलानिन इज इन हेलिक्स कन्फॉर्मेशन, सो एफ ए एल ए इसकस टू 8,000 और एफ एलानिन कॉमा हेलिक्स इसकस टू 5,000 और एन एस अपॉन एन क्या हुआ, 1/3 हेलिक्स प्रोपेंसिटी, तीन ही हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीन है, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और सी टी एल, तो 1/3। सो 5,000 डिवाइडेड 8,000 इंटू 1/3, दिस इज दिस दिस, सो 15/8, दिस इज द प्रोपेंसिटी। फिर से एक बार समझ लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। यहाँ पे हमारे पास 1,00,000 रेसिड्यू है, वी हैव 1,00,000 रेसिड्यू, जिसमें 8,000 टाइम्स एलानिन आया है। इन 8,000 में से 5,000 टाइम जो है ये एलानिन जो है, दैट इज अल्फा हेलिक्स,
ओके तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे जो हमने लिखा है सेम चीज़ है, आप इसको देखिए एफ आर कॉमा एस, यहाँ पे एफ आर कॉमा एस क्या है, दिस 5000 आर, आर और दिस इज एस, सो एलानिन आर हो गया अमीनो एसिड, कौन सा स्ट्रक्चर है, हेलिक्स माना है हमने, सो 5000 हेलिक्स है, कितने में आउट 8000 में, हम किसके अगेंस्ट चेक करेंगे, करेंगे तो एलानिन के अगेंस्ट ना, सो 8000 प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 1/3, हमेशा 1/3 रहेगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 से 15 और 8 15/8, सो दैट इज द प्रोपेंसिटी, सो बाई यूजिंग दैट प्रोपेंसिटी वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ योर अमीनो एसिड चेन, सो दिस इज चाउ फॉसमैन मेथड। आपको कोई, आपको इसके नोट्स की डिटेल में जरूरत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल यू विल सेंड मी योर मेल आईडी, आई विल सेंड यू मेल ऑफ द नोट्स। नाउ कम टू द गौर मेथड, हमने जैसा आपको पहले बताया इट इज 17 विंडो, कंसिडर विंडो ऑफ 17 पोजिशन, सो 17 विंडो, सो लाइक दैट दिस इज अ साइज लाइक 8, दिस साइड 8, दिस साइड एंड दिस इज द, सो सपोज दिस इज ए, सो दिस इज ए, सपोज दिस इज ए जे या ए आई वॉट एवर इट इज, सो दिस इज ए आई माइनस 1 एंड दिस इज ए आई प्लस 1, हम आगे का भी कंसिडर करेंगे, हम पीछे के लिए वैल्यू भी कंसिडर करेंगे। कंसिडर विंडो ऑफ 17 पोजिशन एंड सी हाउ द कन्फर्मेशन ऑफ द सेंट्रल रेसिड्यू डिपेंड्स ऑन दिस रेसिड्यू एंड इट्स 18th नेबर 8 इन ईच डायरेक्शन, आइडली वन वुड कंसिडर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज नेबर्स, दिस इज इम्पॉसिबल, वुड रिक्वायर कलेक्टिंग स्टेटिस्टिक्स फॉर 20 to 17, मीन्स हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड है और 17 कॉम्बिनेशन निकाले, बहुत टिपिकल टास्क है। इंस्टेड अज्यूमिंग ऑफ सेंट्रल रेसिड्यू डिपेंड्स ऑन इट्स नेबर बट द नेबर आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये इस पे दोनों पे इंडिपेंडेंट है। इंप्लीमेंटेशन अगर हम बात करें तो स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन्स ऑफ नोन स्ट्रक्चर इज स्टोर्ड इन 3 मैट्रिक्स 1 ईच, इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, ये मशीन लर्निंग के बाद में बात करेंगे, कि हमने 3 मैट्रिक्स को डिजाइन किया 17 × 20, और उनकी जो भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी थी उनको इस मैट्रिक्स में हमने पेस्ट किया, जब हमने इसमें इनकी वैल्यू पुट करी तीनों, ये तीन क्यों ली, दैट इज अल्फा हेलिक्स बीटा शीट एंड कॉइल टर्न और लूप, इनके बेस पे, ओके तो हमने इन तीनों की वैल्यू उसमें रखी, जो भी वैल्यू आई कैसे वैल्यू आएगी, हमने पहले देखिए इसके स्टेप्स की अगर हम बात करें, सो नंबर 1 स्टेप इज यू हैव टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी सिंगल अमीनो एसिड की 1/1, उसके बाद उस प्रोबेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना है हमें किस पे, इस पर्टिकुलर ए आई वाले बॉक्स पे, 8 here and 8 here, ओके उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी किस पे, 20 अमीनो एसिड पॉसिबल है उनकी 17th में, क्यों 17, 8, 8, 16 और 1, 17, दिस वन इज 1, सो दिस इज टोटल 17 बॉक्स, इसको हमें यूज़ करते हुए इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हमने 3 मैट्रिक्स बनाई इसकी, अल्फा हेलिक्स के लिए, बीटा शीट के लिए और कॉइल के लिए। इसमें बेसिक अगर हम आपको प्रोपेंसिटी बता दें इनकी प्रोपेंसिटी क्या होती है, इट इज़ नॉट ऑलवेज फिक्स, लेकिन अगर आप रिसर्च पेपर देखेंगे कई सारे तो उसमें आपको मिलेगा कि अल्फा हेलिक्स जो है दैट इज एम ए एल ई के, इफ दीज अमीनो एसिड लाइज ऑन द 17th विंडो, सॉरी नेक्स्ट प्रोपेंसिटी, ये हमारी 17th विंडो है, 8 8, दिस वन इज ए आई 9th नंबर, ओके अल्फा हेलिक्स इफ एम ए एल ई के, इफ दिस अमीनो एसिड विल लाई ऑन दिस प्रोबेबिलिटी इज देयर विल इज चांस टू बिकम ए अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट एंड सी टी एंड एल जी एन पी, इफ जी एन पी विल कम ऑन दिस प्लेस मोस्ट प्रोबेबल इज इट विल बी सी टी और एल, क्वाइल टर्न एंड लूप, सो 3, 2, 5 and 2, 7 आउट ऑफ 27 मीन्स 13, सो लेरेस्ट 13 अमीनो एसिड आर द पार्ट ऑफ बीटा शीट, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए गौर मेथड फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। नाउ कम टू द मशीन लर्निंग अप्रोच, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड,
एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल समझिए आप इस एग्जांपल को। इस एग्जांपल को आप समझिए, इट्स लाइक आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, इट इज डब्ल्यू आई जे, डब्ल्यू आई जे, डब्ल्यू आई जे, डब्ल्यू आई जे, एंड हियर इट इज ए आउटपुट, इट इज ए सुपरवाइज लर्निंग। इट इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें हमें आउटपुट का आइडिया होता है, वी हैव आइडिया अबाउट आउटपुट। ओके, सो आप एक एग्जाम्पल समझिए बस, उससे आपको चीज समझ में आ जाएगी कि आपका एक एग्जाम होता है किसी सब्जेक्ट का, देर इज 100 नंबर का, उसमें से आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं 33 नंबर। ओके, सो दिस 33 इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड। Threshold means that is minimum value required. This threshold is minimum value. Okay. And these are the input. So this is input 1, this is input 2, means subject 1, subject 2, subject 3 or subject 4. ये जो value है ये weight value है, means weightage. किस subject को आपने कितना weightage दिया to get the pass mark? आपके पास अगर चार सब्जेक्ट हैं तो 400 नंबर आपका टोटल आउटपुट हो गया। सपोज करिए 33 × 4, 4 × 12 = 132। आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू 132 कभी नहीं होगी। थ्रेशोल्ड वैल्यू इज मेंट फॉर सिंगल वन कॉम्बिनेशन। सपोज आपके 133 नंबर आ गए, लेकिन यहाँ पे 100 नंबर थे, यहाँ 33 थे, दो सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, सो दिस आउटपुट विल नेवर गेट अचीव्ड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे हमें एवरी इनपुट पे फोकस करना होगा, ईच इनपुट पे, और उसके वेट पे हमें उसको कितना वेटेज देना है टू कैलकुलेट दिस। सीधी भाषा में ये समझिए, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इज ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें तीन लेयर होती हैं, वन इज ए इनपुट लेयर, सेकेंड वन इज ए हिडन लेयर, थर्ड वन इज आउटपुट लेयर। सो इनपुट लेयर में आप जो भी चीज देंगे, इनपुट लेयर में जो भी चीज इनपुट की जाएगी, सपोज ये तीन अमीनो एसिड है, हिडन लेयर में हमारी तीन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सो इट विल गेट चेक विद एवरी वन जो भी इसमें से सही करेक्टली मैच करेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू विल गेट द आउटपुट लेयर। सो दिस इज द सिंपल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। हम जब आपसे फोर्थ यूनिट में, थर्ड यूनिट में एल्गोरिदम्स की बात करेंगे, वहां पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी आप ज्यादा कंफ्यूज ना होइए, आप सिर्फ इतना सा समझिए कि वी नीड वन थ्रेशोल्ड वैल्यू, दैट इज एन ईटा, get the output. Okay, we have several inputs, means we have 20 different amino acids in, and these 20 amino acids will be checked for either it is alpha helix, beta sheet and coil, turn or loop. It will check for this. On the basis of this, you can decide, on the basis of using this threshold, these three and these different amino acid in your sequence, we can calculate the secondary structure of protein. Okay, this is about the protein secondary structures prediction methods. Okay, most probably these two are most common. Okay, this is for general information, आपके लिए भी ठीक है। हम इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे, हम आपसे सारे एल्गोरिदम की वहाँ पे बात करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। होप सो आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, आप इनको लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपनी कोई भी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन्हें आप हमको सपोर्ट कीजिए फॉर दिस प्रोसेस, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए और लर्निंग वीडियो ला सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.